हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। धौलपुर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बुधवार को स्थान सेंगर गार्डन जगनेर रोड बसेड़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतपुर जान के मुख्य इंचार्ज दारा सिंह आजाद साहब और पूरन सिंह परनामी रहे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदारी से स्वागत किया और माल्यार्पण किया। विशिष्ट अतिथि करौली के रहे धौलपुर के लोकसभा प्रभारी दिनेश सिंगारिया और जयप्रकाश कुशवाहा, एडवोकेट ने अध्यक्षता और संचालन ब्रजेश सोनी ने किया। जिला अध्यक्ष हरिओम सराना उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि भारतपुर जॉन के मुख्य इंचार्ज दारा सिंह आजाद साहब ने कहा कि सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण गांव गांव जाकर महापुरुषों के विचारधारा को अंजाम देते हुए वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करके बहन मायावती के हाथों को मजबूत बनाए। पूरन सिंह ने कहा कि लंबे अरसे से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। सभी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार किया गया है। 70 साल की बंधन बांट को खत्म करके समता मूलक समाज का निर्माण करना है। इस मौके पर राकेश पारश, अमर सिंह, जिला महासचिव ब्रजेश सोनी, जिला प्रभारी रूप सिंह, अमर सिंह, राजेश असरफ खान आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।